चारों तरफ से पानी निकलता है दोस्तों, इसीलिए ये जो जाम हो गया था। पता नहीं दोस्तों ये क्या हो रहा है, हम लोग का घर का कुछ ना कुछ होते रहता है। ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा पानी था। हेलो दोस्तों, आप सबको को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज सुबह से ही हम लोग देखिए पूरा परेशान हो गए हैं। पूरा देखिए कलवर से पानी आने लगा, पहले से भी आता था दोस्तों तो उसमें अंदर चल जाता था, लेकिन अभी जो है सुबह में देखे कि पूरा वहां पर टेका गया है, पता नहीं कैसे टेका गया और पानी अंदर जाने ही नहीं लगा। तो सुबह से हम लोग लगे हुए हैं दोस्तों पूरा परिवार। पापा उधर देखिए कुदाल और गायता से जो है, सॉरी गायता बोल रहे हैं, सावल से उसको छेदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा अंदर छेदा हो ही नहीं रहा है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा है। और देखिए कविता जी रड पकड़ ली हैं ताकि थोड़ा थोड़ा होल कर देंगे तो पानी कम से कम अंदर घुस जाए, लेकिन होने ही नहीं लगा। आखिरी समय में देखिए दोस्तों पूरा घर जो है पानी निकल करके जो देखिए पूरा केच केच हो गया। देखिए पूरा हम लोग का चारों तरफ पानी हो गया, देखिए इधर भी हो गया उधर भी हो गया। पूरा हम लोग का सूखा हुआ था लेकिन पूरा भींग गया ये कलवर का पानी के कारण। क्या करना होगा, कोई इसका कुछ उपाय बताइए। बस अब उपाय एक ही है, नहीं होगा तो पाइप लाना होगा। अच्छा नहीं होगा तो फिर पाइप लाना पड़ेगा ना। दोस्तों हम लोग यही आखिरी उपाय बचा हुआ है, अगर हम लोग के पास में अगर कोई उपाय नहीं बचेगा तो हम लोग लास्ट में पाइप लगा देंगे, अगर पानी अंदर नहीं खींचेगा तो। क्या वही ना करना होगा, उसी के चलते अभी तक खाना भी नहीं बना। उसी के चलते दोस्तों हम लोग का खाना भी नहीं बना है। देखिए अभी काफ़ी समय हो गया सुबह हुआ लेकिन खाना भी हम लोग का नहीं बन पाया है। देखिए पूरा हम लोग का घर आंगन जो है पूरा अभी तक गंदा ही है, इसको साफ सफाई भी नहीं कर पाए हैं उसी के कारण से। तो इसको देखिए पापा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अब दुकान तो खुल ही गया होगा, हम लोग को पाइप लाने के लिए जाना होगा। दोस्तों हम पाइप लाने के लिए जाने वाले थे तो यहाँ पर पिताजी बोले कि अब इसी में हो जाएगा, पाइप लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब पानी अंदर जाने लगा दोस्तों, ये देखिए पूरा खींच रहा है अब अंदर अंदर पानी। और देखिए दोस्तों इसको बढ़िया से पापा सरिया दिए, अब इसी में सोच रहे हैं कि हम लोग का मतलब पानी पीने के लिए हो जाएगा, हम लोग आराम से इसमें उठाएंगे और हम लोग का बस अधन वगैरह भी सारा चीज़ की खाना पीना भी बन जाएगा, पीने के लिए भी हो जाएगा। क्या पापा हम लोग का एक और सुविधा हो गया, समझिए कहावत सुने हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये अगर हम लोग का नहीं होता दोस्तों तो हम लोग इस तरह का बना नहीं पाते, हम लोग को उसको सोच ही नहीं बनता कि हम लोग को इसको करना है। तो अभी देखिए ये पानी इधर चल गया, चाहला हो गया, तो हम लोग इसको बढ़िया से बना दिए तो हम लोग को बढ़िया से और पानी पीने के लिए सुविधा हो गया। तो मतलब अब हम लोग का वो पाइप लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसी से सब चीज़ कर लेंगे। झाड़ू लगा दीजिए बढ़िया से और पानी को सोंट दीजिए, देखिए पूरा पानी हो गया, चाहला हो गया। देखिए इधर भी पानी है और देखिए दोस्तों हम लोग का पीड़ा भी हम लोग का होल हो गया, देखिए पूरा फूट गया है, देखिए पूरा होल हो गया है, देखिए पूरा एकदम। पता नहीं दोस्तों ये क्या हो रहा है, हम लोग का घर का कुछ ना कुछ होते रहता है। बाबू उधर का है, इधर गिरेगा, चप्पल लेके आया हुआ है, देख रहा है कितना स्लिप करता है, पैर बहुत स्लिप करता है इसमें। ये सबको बढ़िया से सोट दीजिए जी, है ना। उधर भी पानी है जी, उधर भी सोडर दीजिए तो पूरा। इसको साइड कर लीजिए, इसको साइड कर दें। हाँ। अच्छा हम और पापा मिलकर साइड करते हैं। साइड कर दिया, अब हो जाएगा ना। हाँ, बाबू उधर से साइड हो जाओ। और देखिए दोस्तों और थरिया पानी होने लगा, तो देखिए पूरा, और देखिए दोस्तों पूरा एकदम जो है नीचे पूरा खोल हो गया है, वही खोल से अंदर पानी खींच रहा है। पहले ऐसा खोले नहीं हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा बस छेदा था उसी में टेका जाता था, मिट्टी फंस जाता था उसमें तो जाने ही नहीं लगता था। अब उसको थोड़ा सा पिताजी जो है पूरा बढ़िया से कर दिए हैं तो अभी पानी जा रहा है, तो ये देखिए मस्त से जा रहा है। और अभी देखिए दोस्तों और तेज निकलने लगा, देखिए उस समय जो आप लोग देख रहे थे थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, लेकिन अभी देखिए कितना एकदम ज़्यादा तेज निकल रहा है पानी में। और देखिए पीछे से भी पूरा निकल रहा है पानी, देखिए उधर भी भींगा हुआ है, यानी चारों तरफ से पानी निकलता है दोस्तों, इसीलिए ये जो जाम हो गया था और मिट्टी वगैरह गिरते रहता था पूरा जाम हो जाता था। अब इसको बढ़िया से सेपरेट कर दिए हैं, अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो फिर बाद में पाइप ला के फिर डाल देंगे, अभी तत्काल काम चल रहा है तो अभी छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पानी था,
देखिए कविता जी कैसे निकाल रही है, एकदम पूरा झाड़ू से स्वेटर करके निकाल रही है पूरा एकदम। इतना पानी पूरा घर में हो गया था ना जी? हाँ, बहुत गोटे घर जम गया था, एकदम बहुत परेशानी हुआ जी, बहुत हुआ। लेकिन चलिए क्या कीजिएगा, अभी हम लोग का खाना नहीं बना, अभी तक हम लोग का खाना भी नहीं बना है दोस्तों। हम लोग का इतना ज़्यादा परेशानी हो गया, हम लोग सुबह से इसी में पूरा परेशान है दोस्तों। और हम लोग देखिए अभी अभी जा करके जो है इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर पाए हैं, वो भी अच्छा ढंग से तो नहीं कर पाए हैं जब तक इतना पाइप नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग तत्काल कम से कम तो ये सुरक्षा कर लिए हैं ताकि इधर जो है पूरा घर भींगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर दिए हैं क्या जी? हाँ, तो चलिए अब इसको तो झाड़ू लगा ही दिए और देखिए पूरा भींग ले है, तो क्या कीजिएगा, इसमें आग जलेगा? जलेगा, जल जाएगा। हाँ। देखिए अगर जलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई उपाय कीजिए दोस्तों। हम लोग इस सिलाब को ले जा करके वहाँ पर देंगे, तो चलिए जी उठाइए, उठाइए जी। सोनम, हाँ, वो छोटा वाला उठा के लेके आओ। हाँ, बैठा हुआ देखिए रंगीला बाबू सिलाब में कैसा बैठा हुआ है, बहुत भारी है, पूरा भारी हो गया है पूरा एकदम। चलिए जल्दी रखिए, लीजिए पापा इसको पकड़िए। इसी तरह से बैठाना है ना, बढ़िया तरह से बैठा दो ताकि जो है पूरा कादो नहीं होगा इससे रहने से, क्या है? एक नंबर तो बैठ गया, बस एकदम अच्छा हो गया। अब दो को यहाँ पर फिर ला के दे देना है ना, एक ही ठो में तो हो जाएगा अगर बड़ा वाला मिल जाएगा तो। चलिए जी देखते हैं बड़ा नीचे और एक। अच्छा एक और लेकर आई सोनम, सोनम लेकर आई पापा, इसको दे दीजिए। तो इससे थोड़ा सा वो बड़ा रहता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं है तो पानी अब सूखने वाला है। ये दोस्तों दुर्गा पूजा के बाद में फिर पानी सूखने लगेगा, अभी देखिए पूरा बारिश हुआ है इसीलिए इतना पानी आ रहा है, नहीं तो ये फिर इतना पानी नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद से नहीं आएगा क्या पापा? दुर्गा पूजा पहले खत्म है, दुर्गा पूजा पहले खत्म हो जाएगा ना। चलिए ठीक हो गया, दो एक में तो हो गया, हो गया दोस्तों पूरा। देखिए दो ही गो में कैसा दिखने लगा एकदम पूरा मस्त एकदम। अब यहाँ पर आराम से कोई डेक्ची कढ़ाई यहाँ पर रख करके आराम से पानी इसमें भर सकते हैं क्या सोना? हाँ, अच्छा हो जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा दोस्तों। हम लोगों को कई लोग कमेंट करते हैं कि पानी को छान करके पीजिए और अच्छा बताते भी हैं, बहुत बढ़िया लगता भी है। लेकिन दोस्तों क्या है कि देखिए जो पानी आता है पूरा एकदम शुद्ध पानी है, पूरा एकदम जमीन का अंदर से पूरा पानी आता है, तो ये मतलब कि मना हम लोग एकदम शुद्ध पानी हम लोग पीते हैं, एकदम पूरा जड़ी बूटी वाला पानी रहता है। तो हम लोग इसको छान के तो नहीं पीते हैं लेकिन गर्म करके कभी कभार उबाल करके जो है थोड़ा मोड़ा जो है उसको गुनगुना कर देते हैं और पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। हाँ, हमेशा थोड़ा सा हम लोग गुनगुना पानी ही करके पीते हैं तो छानने के बराबर ही हो जाता है दोस्तों। देखिए बाबू, और हम लोग को बहुत बढ़िया ये पानी पीने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि देखिए पूरा अंदर से फाट जो है वो जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट के अंदर से निकलता है पूरा एकदम, और ये पूरा प्राकृतिक पानी एकदम अंदर से। अच्छा ये यहाँ पर धोएगा भी तो यहाँ पर अंदर नीचे पानी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सक रहा है धोने के लिए, नहीं सक रहा है। अच्छा ऊँचा हो गया बाबू के लिए, ऊँचा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसको पूरा देखिए लोटा उटा में उठा करके दीजिएगा, बाहर धोएगा दोस्तों। हम लोग अंदर में सब कुछ कर दिए हैं, ये देखिए पूरा हम लोग झरना को बढ़िया से सेपरेट कर लिए हैं। और दोस्तों ये देखिए घर तो पूरा भींगा हुआ ही है, इसको लिपने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी लिपेंगे तो और ज़्यादा भींग जाएगा, ये सूखेगा ही नहीं जल्दी, और गोबर अपने मोटा रहता है वो जल्दी सूखने नहीं देगा, इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या जी? हाँ, हवा लगेगा तो देते हैं। हाँ पूरा हवा लगने दीजिए, सूखने दीजिए, उसके बाद में एक दिन लिप दीजिएगा। हाँ क्या सोनम, ठीक रहेगा ना? नहीं तो और भींग जाएगा, और भींग जाएगा। तो बर्तन वगैरह भी सारा चीज़ धो लीजिए, वही तो पानी है, ये है पानी वहाँ नहीं धोना है, लेकिन वहाँ से पानी उठा करके हम लोग इधर धो सकते हैं ना आप लोग? तालाब जाएंगे, तालाब जाइएगा वहाँ जल्दी होगा।
हाँ तो जाइए तो वहीं पर धो धा लीजिएगा है ना। और यहाँ पर पीने के लिए बढ़िया हम लोग का सेपरेट पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहना बटना भी सब चीज़ हो जाएगा। जाइए धो धा के आइए, तब तक थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो फिर चूल्हा भी जला लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।